तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपको पता होगा मैंने पहले इसके पहले उमेश चंद्र कॉलेज का वीडियो रिव्यू कर चुका हूं। तो आपको अगर उमेश चंद्र के बारे में, उमेश चंद्र कॉलेज के बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियो मेरा देख सकते हैं। मैंने उमेश चंद्र कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बना दिया, फुल फ्लेज वीडियो है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। आज बात करने वाले हैं हेरम्बा चंद्र कॉलेज के बारे में, जो कि साउथ सिटी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। हेरम्बा चंद्र कॉलेज आप लोगों को पता होगा गोल पार्क में है, कोलकाता के गोल पार्क में है, ठीक है। तो आप वहाँ का लोकेशन देख सकते हैं अपने गूगल मैप पे जाके। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, और हम लोग जानेंगे कि कितना परसेंट हमारे पास होने से उसमें पॉसिबिलिटी बनता है एडमिशन होने का, ठीक है। तो सबसे वाइटल पार्ट है, और इसका फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कॉलेज के बारे में बात करें तो कॉलेज के बारे में तो कुछ कहना है नहीं है। कॉलेज बिल्कुल ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रेपूटेड कॉलेज है कोलकाता में, तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कॉलेज तो बिल्कुल भी बहुत अच्छा कॉलेज है, एकदम फेमस कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन बात करें इसमें अप्लाई करने का, तो अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी जो है वो आप 60% 65% पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि बहुत कम है एडमिशन का, ठीक है। तो आपको मेनली आपके पास 70 या 75 है तभी जाके अप्लाई कीजिए, तो फिर आपके लिए सही रहेगा। मेनली 75 या 80 के ऊपर इसका कट ऑफ आता है, तो ऐसे आप 70 के प्लस हैं तो ही अप्लाई करें, उससे नीचे हैं तो अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ द मनी होगा वो टोटल, ठीक है। तो 60 और 50 जिसका है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, अप्लाई कर सकता है बट उसका होने का पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। सो आपके पास 70 प्लस या 75 प्लस या 80 प्लस है तभी अप्लाई कीजिए हेरम्बा चंद्र कॉलेज में। कॉलेज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, अच्छे जगह पे लोकेटेड है कॉलेज, तो कॉलेज बिल्कुल ही अच्छा है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसका बात करें प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, प्लेसमेंट होता है कोलकाता के कॉलेज में। मेनली गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट होता कहाँ है उतना, लेकिन फिर भी जो होता है वो ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ का प्लेसमेंट थोड़ा बहुत ठीक ही है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज, ठीक है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए भी ज़्यादा, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि हम जाएंगे तो वहाँ प्लेस्ड हो ही जाएंगे, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर किसी भी कॉलेज का कोलकाता में, ठीक है। अभी बीकॉम के लिए तो स्पेशल होता ही नहीं है प्लेसमेंट, तो आप इसके लिए देख सकते हैं कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और इसका फीस की बात करें तो फीस तो दोस्तों उसके फीस का चार्ट आपको दिख रहा होगा, फीस का चार्ट कुछ इस प्रकार है। बीकॉम ऑनर्स के लिए जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का फीस 56 से 40 रुपये देना होगा, और बीकॉम पास कोर्स के लिए जाते हैं यानी जनरल के लिए जाते हैं तो 53 से 40 रुपये देना होगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। वही बीए के लिए बता दें, बीए ऑनर्स के लिए जाते हैं तो 52 से 80 रुपये फर्स्ट ईयर का लगता है, और वही बैचलर ऑफ साइंस के लिए जाते हैं तो 10,280 रुपये होता है, ठीक है। तो आपको पूरा चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर हम दिखा दिए हैं आपको पूरा चार्ट, इसी प्रकार उसका फीस है, ठीक है। तो फीस आपको ऐसे ही पे करना होगा, ठीक है, और फर्स्ट ईयर करके फीस है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करके फीस है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हो सकता है कॉलेज में आपका चेंजिंग आ जाए, हो सकता है सेमेस्टर वाइज फीस लिया जाए आपसे, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर फर्स्ट ईयर के हिसाब से फीस आपको 56 से 40 रुपये बी कॉम ऑनर्स का पड़ेगा, और पास कोर्स की बात करें तो 53 से 40 रुपये पड़ेगा। जैसे कि आपका पता होगा ये जो कॉलेज है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, ठीक है, UGC के अंडर रिकॉग्नाइज होता है। और इसका ग्रेड देख लें तो सबसे वाइटल चीज़ है यहाँ पर ग्रेड, B+ ग्रेड है। आपको बता दें कि कोलकाता में मात्र कोलकाता में एक ही कॉलेज है सेंट जेवियर कॉलेज, जो एक ग्रेड के अंडर आता है, बाकी सब कॉलेज बी ग्रेड के ही अंदर आते हैं, ठीक है। कोई बी है तो किसी का B+ है, तो मेनली A+ ग्रेड का कॉलेज जो है वो सेंट जेवियर कॉलेज ही है कोलकाता में, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है। तो आपको कोई बोले कि ये ग्रेड बी ग्रेड कॉलेज ऐसा कुछ मत समझिएगा, मेनली B+ ग्रेड का ही कॉलेज मिलता है आपको कोलकाता में, ठीक है। सो छोटा सा वीडियो था, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।